मैं किसी की बुराई करके भी अब उससे मैं क्या लूंगा मैं, और क्या मेरी मदद, अब मैं राम से ही मदद मांग रहा है, वो ही मेरा राम पूरा कर रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद के 26 बरस का दर्द इन आँखों में पढ़िए। भोपाल के नजदीक सुआखेड़ा गांव में रहने वाला एक कार सेवक कि जिसकी कोठरी के बाहर बाबरी विध्वंस के बाद के बरसों में सियासतें भी बदली, राजनेता भी, राम जन्मभूमि आंदोलन में किए गए बलिदान की कीमतें भी अदा हुई, लेकिन इसी आंदोलन में शरीर का आधा हिस्सा गंवा चुके अंचल सिंह मीणा की जिंदगी जैसे उसी एक तारीख पर थम गई। 6 दिसंबर थी 1992 का सन था, और मैं जो है 5 दिसंबर को यहाँ से निकल चुका था। 11:45 से काम वहाँ जो है चालू किया था। मैं पीछे जो मलमा पड़ा था उस मलमा पे से गुम्बज पे चढ़ के थोड़ा जो भी मैं कार्य करता था वो, तो अस्पेर से जो अपनी वहाँ की जनता भी लगी हुई थी। एक आध घंटा ही मैं सही रहा, इसके बाद मेरे ऐसी लगी कि सेठ बेहोश रहा मैं। वो गुम्बज जो है एकदम गिर गई, उसका जानकारी हमें मालूम नहीं पड़ी, हम लोग ऊपर थे। गुम्बद के एक हिस्से का मलबा अंचल की पीठ पर ऐसा गिरा कि सरकारें गिर जाने के बाद ही उसे होश आया। शुरुआत में इलाज के दौरान तक बीजेपी नेताओं ने पूछ परख की, फिर एक कार सेवक किनारे हो गया। अंचल का अफसोस बस इतना कि बलिदान का हासिल क्या हुआ। 30 बरस की उम्र में अपाहिज हुए अंचल ने पिछले 26 साल जमीन पर घिसक कर गुजारे हैं। सिर से लेकर पैर तक जिस्म के हर हिस्से पर जख्म हैं, और दिलो दिमाग पर लगे जख्म तो और भी गहरे। 26 साल देखो, मुझे यही राम ने, मुझे जो है भगवान, जिस भगवान के काज से गया था उस राम ने विश्वास से सब अड़ेग रखा, किसी के आगे हाथ फैलाने का समय ही नहीं दिया मुझे, और मैं जो बना करता रहा है। अभी तुमको घाव बताऊंगी तो आप कहोगे कि ये दशा, और कोई देखने नहीं आया तो मुझे भगवान ही देखता है हर चीज में। अंचल के बलिदान की कीमत उनकी पत्नी पानबाई ने भी चुकाई। 2.5-3 बरस के बच्चों की परवरिश अकेले की, परिवार भी संभाला और पति को भी, सब बस राम भरोसे। अब उनके तो शरीर गए सर, अब दोबारा तो अब आगा नहीं, मेरा जीवन ही बेकार हो गया। अब काय हुई जब जानू, मेरे मोड़ मोड़ी अवेर देव जी कुआर आ गए, इनको ब्याह सगाई कर दिए। भगवान तो करेगा पूरा, करेंगे जब ही तो अपन खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। जिस जत्थे में अंचल और उन जैसे कार सेवक अयोध्या गए थे, बजरंग दल के उस जत्थे की अगुवाई कर रहे राजेंद्र गुप्ता मंजूर करते हैं कि वो जुनून था, और उस जुनून में कईयों को सत्ता मिली और कई साथ और सहानुभूति के लिए भी तरसते रह गए। हमें तो उस समय जुनून था कि बाबर रूपी कलंक मिटाना है, तो हम जैसे कार्यकर्ता और अचल जैसे कार्यकर्ता बगैर सोचे समझे अयोध्या पहुंच गए। जिनका उद्देश्य था कि कलंक मिटाना है वो गुमनाम हो गए। जिनको ये सोचना था कि हम इतना बड़ा वो करके आए हैं, विष्णु परिषद या अन्य संगठन हमें कुछ असही जगह मुकाम पहुंचा के, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है नहीं पहुंच पाए। तो जब धर्म संसद के साथ फिर एक बार राम मंदिर देश की राजनीति के केंद्र में आ रहा है, सियासी दल फिर अयोध्या का रुख कर रहे हैं, तब अंचल के दर्द का 30 में बदल जाना लाजमी है कि फिर कोई अंचल सियासत का मोहरा तो नहीं बन रहा। भोपाल से शिफाली, न्यूज 18, मध्य प्रदेश।